अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ही बहुत ही ज़्यादा इजी सी दाल की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन के तैयार होती है और जिसे खा के काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे अचारी दाल। तो चलिए देखते हैं हमने इस रेसिपी को किस तरह बनाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ली है लाल मसूर की दाल जो कि 1 कप है, और मैंने 1/2 कप ली है मूंग की दाल। और इन दालों को हम मिला लेते हैं, और मिला के हम इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और यहाँ पर जो इसका सफ़ेद पानी है वो दाल का हम बिल्कुल निकाल देंगे और दाल को एकदम साफ़ कर लेंगे। तो बस देखिए, मैंने यहाँ पर दाल को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए सोक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही दाल को ले रही हूँ। तो बस मैंने एक कढ़ाई ली है, हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। आप चाहे तो प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो दालें हैं ये बहुत ही आसानी से गल जाती हैं, तो हम इसे आज हांडी में बनाएंगे और ये काफ़ी टेस्टी इसमें बन के तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पर दाल डाल दी है, उसके बाद मैंने इसमें दाल से 3 गुना ज़्यादा पानी डाल दिया है इसमें, और उसमें डाला है मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें मैं आधा मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करूँगी और आधा मैं काली इलायची ऐड करूँगी। इसके बीज मैंने इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ ऊपर का जो छिलका होता है वो इसमें मैंने डाल दिया है। और इसके बाद इन चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिला देते हैं, और मिला के अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम इसे बीच बीच में देखते रहेंगे कि जो हमारी दालें हैं वो गली हैं या नहीं। तो बस एक बार मैं इसमें हाई फ्लेम पर बॉयल ले लूँगी, उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस अब हम चलते हैं, अपना मसाला तैयार करते हैं। जो हम चारी दाल बना रहे हैं उसके लिए हम एक मसाला तैयार करते हैं स्पेशल वाला। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून सौंफ, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम ही मैंने इसमें मेथी दाना ली है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें लिया है ज़ीरा, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा इसमें कलौंजी ऐड की है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून खड़ा धनिया इस्तेमाल किया है। आप इन मसालों को डायरेक्ट भी मिर्च में भर सकते हैं, लेकिन मुझे खड़े मसाले पसंद नहीं है, तो मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, मामदस्ते में कूट लूँगी अच्छे से गर्म करके, तो ये बिल्कुल मिक्स पाउडर बन जाएगा। तो बस देखिए, मैंने इसे अच्छे से कूट लिया। इसमें अब हम 1/2 लेमन ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें खटाई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो लेमन का टेस्ट है वो काफ़ी टैंगी फ्लेवर देगा हमारी दाल को। अगर ये मसाला जो है वो आपको मिलता हुआ ना दिखे, या फिर आपस में बिल्कुल मिल ना जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा मसाला है ये नींबू में ही अच्छे से मिल गया है, और अब हम इसे अपनी मिर्च में भरेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने मिर्च ले ली है, इसमें मैंने बीच से कट लगा लिए हैं। आपके पास मोटी वाली मिर्च हो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी तीखी मिर्च पसंद है, इसलिए मैंने नॉर्मल मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही मैंने थोड़े से गार्लिक लिए हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है, जिनका छिलका उतार लिया है। इसमें भी हम स्प्लिट लगा लेते हैं, और हम मिर्चों के साथ साथ थोड़े से गार्लिक भी ऐड करेंगे। इससे दाल में काफ़ी सौंधा सा फ्लेवर आएगा, तो आप भी इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। चलिए अब हम मसाला ले लेते हैं, और जो हमने मिर्च में स्प्लिट लगाया है, जो कट लगाए हैं, इसके अंदर हम इस मसाले को फिल कर देते हैं। जिस तरह हम अचार बनाते हैं उसी तरह हमें इसे भी फिल कर देना है। ये देखिए, हाथों की हेल्प से हम थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी मिर्च में मसाला काफ़ी अच्छे से फिल हो जाएगा। और इसी तरह मैं बाकी सारी मिर्च भी भर लूँगी। ये देखिए, इस दाल का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है, और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी दाल बन के तैयार होती है। अब ये जो गार्लिक थे मैंने इसी में डाल दी है इस मसाले के साथ, और इसे हम साइड कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो दाल है इसे गलते हुए आधे घंटा हो चुका है, और हमारी दाल काफ़ी अच्छे से गल चुकी है। अब इसे मैं थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से मैश कर लूँगी, देखिए इस तरह से, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट। अब इस दाल को हम कवर कर देते हैं और एक मसाला तैयार कर लेते हैं अपनी दाल के लिए। तो बस यहाँ पर मैं इसकी लिड लगा दूंगी और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालकर हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने में ज़्यादा वक्त लगता है, और जो हमारा तेल है ये गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो ये पेस्ट दाल में कच्चा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दाल में ऐड नहीं किया था, तो मैं इसमें यहाँ पर जो मसाला बना रही हूँ उसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। काफ़ी अच्छे से इसे हमें भून लेना है ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो बिल्कुल ना रहे, और हमारी जो दाल है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। तो बस देखिए, हमने इसे 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टमाटर जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और टमाटर डालकर हम इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। यहाँ पर हम टमाटर को अच्छे से गला लेंगे। हमें यहाँ पे टमाटर खड़े खड़े नहीं रखने हैं, हमें टमाटर को काफ़ी अच्छे से गला लेना है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया की जो खुशबू है और जो टेस्ट है वो दाल में काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा इस दाल में। तो बस इसे भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। अगर आपको कुटी हुई लाल मिर्च पसंद है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम इन सारी चीज़ों को एक बार काफ़ी अच्छे से सौते कर लेंगे, और ये जो हमारा स्पैचुला है इसकी हेल्प से टमाटरों को प्रेस करते रहेंगे ताकि जो हमारे अगर टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं वो मैश हो जाएंगे। धीरे धीरे हम इससे मैश करते रहेंगे, और बस अब हम यहाँ पर जो फ्लेम है उसे थोड़ा सा लो कर देंगे और इसकी लिड लगा देंगे और टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए, हमारे जो टमाटर हैं गलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और काफ़ी अच्छे से हमारे जो टमाटर हैं गल चुके हैं, और हमारा एक बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है हमारी दाल के लिए। और जो थोड़ा बहुत टमाटर खड़ा था उसे मैंने स्पैचुला की हेल्प से मैश कर लिया है, और बस हमारा जो मसाला है ये बहुत ही टेस्टी सा मसाला बनके तैयार होता है। अब हम जो दाल हमने गला के रखी है वो इसी मसाले में ऐड कर देंगे, और इसे डालकर हम एक बॉईल आने देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर अगर आपको दाल थोड़ी पतली करनी है या आपको कितनी कंसिस्टेंसी इस दाल की रखनी है आप इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दाल को काफ़ी थिक रखूँगी, तो मुझे इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। मुझे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, और बस मैं इसी तरह इसमें बॉयल आने दूँगी। और देखिए, हमारी जो दाल है इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, और बस इसे मैं 5 मिनट और मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी ताकि जो मैंने मसाला डाला है वो मसाला दालों में अच्छे से जज्ब हो जाए, और उसके बाद हम इसमें तड़का लगाते हैं। दाल को फ्लेवर थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए इसमें मैं 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी। इससे दाल का टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसे डालकर एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए, हमारी जो दाल है वे बिल्कुल बनके तैयार है। इसी स्टेज पर हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो चलिए हम इसमें तड़का लगाते हैं। यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है हम इसे बंद कर देते हैं, और हमारी जो लिड है वो हम कवर कर देते हैं। चलिए, हम गैस की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने एक तड़का पैन रख दिया है, और उसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून भर के, और इससे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ये अच्छे से गर्म हो जाता है आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो पर उसे लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो देखिए, हमारा जो तेल है जब तक के गर्म हो चुका है बहुत ही अच्छे से, और अब इसमें हम डाल देते हैं हमारी मिर्च, और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, जब तक इस पर वाइट स्पॉट नहीं आ जाते तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसी तरह हाई फ्लेम पर। यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम एकदम हाई रखनी है, और जब भी आप तड़का किसी भी चीज़ का लगाएं तो गैस की फ्लेम को हमेशा हाई रखिए। तो बस हमारी जो मिर्च है काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और बस अब हम इस मिर्च को इतना ही फ्राई करेंगे, और इसे फ्राई करने के बाद अब हम इसमें अपनी दाल में ऐड करेंगे। तो चलिए, दाल जो हमारी है वो पहले से ही उबल रही है, और इस दाल को खोलकर हम इसमें
ये तड़का ऐड कर देते हैं। ये तड़के वाली दाल है जिसमें अचारी फ्लेवर आता है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस नई तरह की दाल को आप घर पे ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। घर पे सबको ये दाल काफ़ी पसंद आएगी, इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक होता है और आप ढाबे या रेस्टोरेंट की दाल भी भूल जाएंगे अगर आप एक बार इस दाल को बना लेते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। और देखिए कितनी टेस्टी और ज़ायक़ेदार हमारी ये जो दाल है ये बनके तैयार हुई है। चलिए अब हम दाल को सर्व कर लेते हैं एक बोल में। और इस दाल को हमने इस पॉट में बनाया है, ना कि प्रेशर कुकर में बनाया है, तो जो इस दाल का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है प्रेशर कुकर से। और हमारी जो आसान सी दाल तड़के की, अचार वाली तड़के की रेसिपी है, ये तैयार हो गई है बिल्कुल खाने के लिए। आप इसे सर्व कीजिए चावल के साथ या आप इसे रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होती है। और बस ऐसी अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल किचन की दुनिया को। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना